ले क्या तुम? नहीं बेटा, नहीं, इस बीमारी का, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अब तो बस, अब तो बस। तुम बोल मत माँ, तुम बोल मत। तू भगवान के दर पर बैठी है माँ, भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा माँ, भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। भगवान, मैं अपनी माँ को तेरे सहारे छोड़े जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना भगवान, उसका ख्याल रखना। माँ तू चिंता मत कर, माँ तू चिंता मत कर, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं बहुत सारे रुपए कमाऊंगा, अब मैं जाऊं। बेटा काम करना, मेहनत करना, मजदूरी कर। सलाम साहब, साहब मेरे पैसे। चल हट। साहब, साहब, साहब। अरे मेरा 400 रुपए का नुकसान कर दिया। मुझे कहती थी किसी के सामने हाथ मत फैला और खुद हाथ फैलाए बैठी है। क्या सोचती है तू कि तेरा बेटा मर गया, भगवान पे से तेरा भरोसा इतनी जल्दी उड़ गया? भीख मांगने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? मर, तू मर क्यों? माँ कहती थी तू सबकी रक्षा करता है, कैसा भगवान है तू? एक मेरी माँ को नहीं बचा सका, तेरे सहारे छोड़ गया था, तूने उसे छीन लिया। ठीक है, आज तूने मेरे माँ को उठाया है, आज से मेरा तेरे ऊपर का विश्वास टूट गया। खामोश, पल भर भी इंतजार नहीं कर सकते, थोड़ी सी देर हो गई तो क्या भूख से मर जाओगे? हैं? ओए दाल काय को पीता है, चावल क्या पानी के साथ मिलाकर खाएगा? ये भी तो पानी है पंडित जी। क्या कहा? हाँ पानी, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिली है। शुक्र कर इस अनाथ आश्रम में ये भी मिल जाता है। एक बात पूछूं पंडित जी? हाँ पूछ। जब सेठ जी आते हैं तो हमें अच्छा खाना मिलता है, और बाकी के दिन ये जली हुई रोटी, ये सड़ा हुआ चावल, ये पानी जैसी दाल, हमें खाना नहीं चाहिए। तो ये खाना नहीं खाओगे? नहीं, हमें अच्छा खाना चाहिए। क्यों दोस्तों, तुम ये खाना खाओगे? तुम्हें अच्छा खाना चाहिए, हलवा पूरी चाहिए। चलो चलो मेरे साथ भोलेनाथ जी के पास, वो तुम्हें गरम गरम हलवा पूरी खिलाएंगे। भोलेनाथ जी, इस लड़के को वो खाना नहीं, गरम गरम हलवा पूरी चाहिए। क्यों बे? अब भिखारी की जन्म पत्री और राज सुख चाहिए तुझे? रहना अनाथ आश्रम में और हलवा पूरी चाहिए तुझे? हाथ फैलाओ। बिरजू के हाथ टूट सकते हैं, लेकिन किसी के सामने फैलेंगे नहीं। अच्छा, तो तेरे हाथ ही तोड़ देता हूँ। हलवा पूरी चाहिए, ये हाथ नहीं फैलेंगे। हाँ, ये हाथ नहीं फैलेंगे। Thank you.
है? खरो है? क्या चोखो खरो बोल रहे हो सेठ, 2.5 लाख रुपए से 1 पैसे कम का सोना नहीं है। अब इसके बदले में जल्दी से 2 लाख रुपए के 2 छोटे-छोटे हीरे निकालो ताकि मैं अंटी में लगा के घंटी बजाता फिर और किसी को खबर न पड़े। लाख लाख के 2 हीरे? जी हाँ, 0.5 लाख छोड़ रहा हूँ उस महंगाई के जमाने में। जल्दी करो, काले धंधे की काली कमाई ज्यादा देर रोशनी में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ठीक है, आप बैठो चाय पानी पियो, हम अभी लगाते। 2 हीरे काले धंधे की काली कमाई। अच्छी उसने कमाई। मैं जानता हूँ उसको, उसका नाम बिजू है। के खिलाफ पेश की गई शहादतों और चश्मदीद गवाह के बयान से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम के खिलाफ लगाए गए पुलिस के तमाम इल्जाम सही हैं, लिहाजा अदालत मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए उसे जेर दफा 107, 109 ताजरात हिंद 1 साल कैद बा मुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चलो। तुमने बिरजू के खिलाफ गवाही दी है, लेकिन याद रखना 1 साल गुजरते ही मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा। जय हिंद। तुम भर आपकी जो मर्जी कीजिए, शाम के बाद मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर आप कहें तो मैं बड़े भैया से भी ये कह देती हूँ। ओफ़ डार्लिंग, तुम तो सच में नाराज हो गई। अगर तुम चाहती हो तो हम आज के बाद बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे, ओके? पर डार्लिंग जरा सोचो, अगर मैं फार्म की देखभाल नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? तुम तो जानती हो बड़े भैया ने अपने छोटे भाई, अपनी छोटी बहन के लिए अपनी जिंदगी तक का ख्याल नहीं किया, उनकी देखभाल में कोई कमी ना रह जाए इसलिए उन्होंने शादी तक नहीं की। सुनो, क्या उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? अरे बाबू, ओह डार्लिंग, गुप्ता जी आ गए, मैं जरा उनसे मिलके आता हूँ। डोंट गेट अनॉयड विद मी, स्माइल। गुप्ता जी कहाँ थे दिन भर? क्या बताऊँ, सारा दिन कचहरी में कट गया। कचहरी में? नेकी भी महंगी पड़ गई इस महंगाई के जमाने में। ओफो, हुआ क्या? अजी होना क्या था, है एक बदमाश बिरजू, उसके खिलाफ गवाही देनी पड़ गई, उसे साल भर की सजा भी हो गई, लेकिन जाते जाते उसने मेरी गर्दन पे उंगली रख दी और कह गया कि निकलते ही तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मुजरिम को मुजरिम कहने भी पाप हो गया। पाप हो नहीं गया गुप्ता जी, पाप है गुप्ता जी। मुजरिम को खत्म कर देने से जुर्म खत्म नहीं हो जाता। हमारे फार्म पर कई ऐसे लोग काम करते हैं जो कभी मुजरिम थे, लेकिन आज आज उनकी शराफत की कसम खाई जाती है। क्यों छोटे? गुप्ता जी, अच्छाई हर इंसान में छुपी रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हर काले बादल के पीछे अमृत जैसा पानी छिपा रहता है। अम्मे, बहुत भूख लगी है अम्मे, जैसा भी हो वैसा ही दे दो अम्मे, बहुत भूख लगी है अम्मे। अभी देती हूँ मेरे बेटे, अभी देती। तुझे तो भूख की पड़ी है, खुर्शीद को देख, बुखार में तप रहा है, अगर इसे दवाई नहीं दी तो ये भी इस आग की तरह जल जाएगा, जल जाएगा। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है अम्मी, और कितनी देर ठहरो अम्मी, दोपहर को भी तुमने मुझे आधी रोटी दी और अभी भी कहती हो ठहर जा। अरे बाबा, तू ही पक जाना जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी,
मम्मी तुम तो कह रही थी इसमें गाना है लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है अम्मी। अब मैं क्या कहूंगा अम्मी, अम्मी मुझे कुछ तो दो अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम भी तो कुछ बोलो ना, मैं क्या करूं। अच्छा तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो सईदा। मेरी कसम खुदा के वास्ते को गुनाह ना कर बैठना। सईदा इन बच्चों की मौत से बड़ा और कोई गुनाह नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है, आज कैसी बातें कर रहे हो? सईदा मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। आज इन बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो कोई गम नहीं। नहीं नहीं असलम, नहीं, कोई गम नहीं। शस्त्र और शक्ति का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए होता है। रख लो, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। लो, आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, इससे पहले कि पुलिस आ जाए तुम भाग जाओ, जाओ। मैं कहता हूं जल्दी से चले जाओ। भैया आपकी कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आई थी, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, खिड़की बंद करने गया था, अलमारी से टक्कर लग गई। बड़े भैया कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग सो जाओ। अच्छा बड़े भैया, असलम खान रफिया मंजिल के पीछे दवाइयों का नुस्खा। असलम ने ये दवाइयां भी भेजी हैं बच्चे के लिए। लेकिन लेकिन वो खुद कहाँ है? खरीद से तो है ना, घर से तो वो बहुत गुस्से में निकले थे, हाथ में चाकू लेकर। आदमी निकलता किसी और इरादे से है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ये तो अच्छा हुआ कि रात को वो सीधा मेरे पास आ गया, वरना हमें जिंदगी भर अफसोस रहता कि हम एक दोस्त की मदद न कर सके। ये थोड़े से रुपए रख लो। नहीं भाईजान, आपके ये एहसानी हम पर बहुत है। क्या नाम है तुम्हारा? सईदा। सईदा तुमने हमें भाईजान कहा है, इस रिश्ते की जिम्मेदारी समझती हो? हमें अपना पर्स पूरा करने दो और चुपचाप ये रुपए रख लो। अच्छा हम चलते हैं। सुनिए, आपने तो अपना नाम भी नहीं बताया। बड़े भैया जी, धर्म प्रकाश। बड़े भैया। असलम क्या बात है? बड़े भैया जो गुनाह मैंने कल रात किया उसके लिए मुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा। अरे पगले, खुदा बड़ा रहीम है, करीम है, और फिर गुनाह का इतराफ कर लेना ही एक तरह की बंदगी है। बड़े भैया मैं चोर नहीं हूं, भूख और बेरोजगारी ने मुझे चोरी करने पर। जानता हूं, हमारे फार्म पर काम करोगे? काम? बड़े भैया मैंने तो अपनी जान भी आपके नाम लिख दी है। आओ मेरे साथ। आप पहले पूजा कर लीजिए। असलम, इंसान की खिदमत करना ही
भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। सृष्टि के मालिक हे जगपालक, सृष्टि के मालिक विनती मेरी स्वीकार करो। पचास लाख यस अजीत, उस मूर्ति का एक एक डायमंड एक एक लाख का है। एल्बर्ट, इस मूर्ति को हासिल करने के लिए हमारा शेर जेल से निकल नहीं वाला है। बिरजू, आज तुम्हारी सजा खत्म हुई। कानून ने पांचवी मर्तबा तुम्हें एक बार फिर नेक और इज्जतदार शहरी बनने का मौका दिया है, और हमें उम्मीद है कि तुम इसका पूरा पूरा फायदा उठाओगे और इज्जत की जिंदगी गुजारोगे। यदि कमाने तो यहां आता हूं जेल साहब, आपको नहीं मालूम जितनी बार मैं यहां से होके जाता हूं लोग उतनी ही ज्यादा मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत दिल से की जाती है बिरजू, डर या मजबूरी से नहीं। मजबूरी से तो सर्कस का शेर भी रिंग मास्टर के सामने अपना सर झुका देता है। इसका यह मतलब नहीं कि शेर उससे डरता है। शेर उससे डरे ना डरे, लेकिन तालियां तो रिंग मास्टर को ही मिलती हैं। आप कानून का शेर लेकर डराते रहिए और हम रिंग मास्टर बनकर उसे नचाते रहेंगे। जय हिंद। मोती दादा, बिरजू आ रहा है जेल से छूट के आज, और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू ये रख ले महंगाई के जमाने में। देख, मेरी जिंदगी अब तेरे हाथ में है। घबराओ नहीं गुप्ता, इस इलाके में अब मेरा दबदबा चलता है, बिरजू का नहीं। वो तुम्हारे घर की चौखट तक नहीं पहुंच सकता।
अगर इस पत्थर से आगे गए तो जहन्नम पहुंचा दिए जाओगे। पेंटा, पैसे खाते में लिख देना। कोई बात नहीं बिच्चू भैया। उठा पत्थर, दूर आ जा मेरे रास्ते से। सेठ। हाँ बिरजू भैया। जो तेरा नुकसान हुआ है हमारे खाते में लिख देना। लिख दूंगा बिरजू भैया, लिख दूंगा, जरूर लिख दूंगा। घोड़े की मालिश कर रहा है क्या आदमी की है? जय हिंद। बिट्टू भैया, अरे मुरली मनोहर, आज भी बचा है। कैसे भाई? आज बचा है। मर गया। जयराम जी भैया। क्यों गुप्ता जी, तेल लगवा रहे थे? हाँ भैया, लगवा रहा था। लगता है तेल कुछ ज्यादा ही लग गया। नहीं भैया, अरे भैया कहाँ फेंक दिया महंगाई के जमाने में। थोड़ा सा निकाल दूं? बिट्टू भैया तू बैठ, मैं स्नान कर आऊं। एक साल जेल में काट के आया हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे बिरजू के खिलाफ गवाही देने वाले की हम आंखें निकाल देते हैं। बिरजू मैं, आप मुझे माफ कर दे। तेरे पति की वजह से हम एक साल की सजा काट के आए हैं और अब इसकी सजा यह है कि ये भी एक साल का बनवास काटे। अगर अपना सुहाग चाहिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर इसे यहाँ से लेके चली जा, नहीं तो इस घर को जला के राख कर दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। बिरजू, बिरजू कैसी है तू जान? मालिक आ गए, जान में जान आ गई। चश्मे बदपुर, जेल ने आपकी सेहत पर काफी नजर इनायत की है। हाँ ठीक है, जब किसी की नजर लग जाएगी हम फिर जेल चले जाएंगे। नहीं बिरजू, ये लड़ाई झगड़े, जेल पुलिस, छोड़ दो ना ये सब कुछ। क्यों,
ना तो मेरा पेशा ही समाज की नजरों में इज्जत वाला है, ना तुम्हारा। चलो हम एक होकर इज्जत की जिंदगी बसर करें, घरेलू जिंदगी। पागल हो गई है तू? तू चाहती है ये बेफिक्री, ये शान शौकत, ये शहनशाहों जैसी जिंदगी छोड़कर बिरजू राशन और घासलेट की लाइन में खड़ा हो जाए? सचमुच बड़े जालिम हो तुम, किसी चीज का एहसास नहीं, ना मेरी तमन्नाओं का और ना अपनी जवानी का। बिरजू की जवानी समंदर की लहरों पर अंगड़ाइयां लेते हुए उस तूफान की सी है जिसने कभी बंधना नहीं सीखा। लेकिन तेरी बाहों के बंधन हमें बहुत पसंद है। कौन बदतमीज है? धर्म प्रकाश। कौन धर्म प्रकाश? इस वक्त हम किसी से बात नहीं करना चाहते।
मुझे इसी वक्त बात करनी है। कौन है ये बेवकूफ? क्या बात है? गुप्ता जी मेरे फार्म में काम करते हैं। गुप्ता? तो तुम उसकी सिफारिश लेकर आए हो? सिफारिश और गुजारिश वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी अक्ल और ताकत पर भरोसा नहीं। ताकत आजमाने आए हो? जीवन के बारे में मेरा नजरिया दूसरा है, मेरा सोचने का ढंग दूसरा है। इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि जिंदगी में अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो छीनते क्यों हो? इसलिए कि मैं हाथ उठाने वाला बहादुर नहीं, जालिम कहलाता है। ये बुजदिल की जबान है, मतलब की बात करो। तुम उसे मकान छोड़ने की धमकी देकर आए हो। शायद तुमने गलत सुना है, मकान नहीं ये शहर छोड़ने तो कल सूरज डूबने से पहले पहले ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। लगता है बहुत नाराज हो अपने आप से। गुस्से में ये भी याद नहीं रहा कि दुनिया से ले जाने का काम तुम्हारा नहीं, यमराज का है। दुश्मन के लिए बिरजू यमराज से कम नहीं। गुप्ता अगर कल नहीं गया तो उसके मकान की जगह राख का एक ढेर नजर आएगा। राख तो एक दिन सभी ने होना, लेकिन कल वो मकान भी वहीं होगा और गुप्ता जी भी। याद रखना मेरा नाम बिरजू है और मेरा नाम भी धर्म प्रकाश है। धर्म और प्रकाश, जिन दोनों से तुम्हारा कभी वास्ता नहीं पड़ता। जसमेर पी बिरजू, चलो मेरे साथ। कहां? पुलिस स्टेशन। क्यों, ये दावत किस खुशी में? दावत? ये पुलिस स्टेशन चल के पता चलेगा। चलो। चलिए। अच्छा जसमेर, फिर मिलेंगे। तू बैठ यार, डट के पी, ऐसी दावतें तो मिलती रहती हैं। कम ऑन, गेट इन नाउ। चल यार चल। प्रकाश जी आप, और इस वक्त? बिरजू को छोड़ दो इंस्पेक्टर, इसमें इसका कोई दोष नहीं। आग गुप्ता जी की अपनी गलती से लगी थी। क्यों गुप्ता जी? जी हाँ, थानेदार साहब, भूल मेरी हो गई थी इस महंगाई के जमाने में। सुन लिया आपने, इसीलिए गुप्ता जी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। मेरा ख्याल है बिरजू के खिलाफ किसी ने झूठी शिकायत की है। घर के मालिक को कोई शिकायत नहीं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, मगर हाँ इन्हें स्टेटमेंट देने मेरे साथ चलना होगा। जरूर जाइए गुप्ता जी। जी भेजो। तन की शक्ति से तुम्हें घर जलाए, लेकिन तुमने कभी यह भी सोचा है के मन की शक्ति से तुम एक सुनहरा संसार बना सकते हो? बिरजू, एक आदमी तन की शक्ति से शैतान बन सकता है और वही आदमी मन की शक्ति से इंसान बन सकता है। आजमाना चाहो
तो मेरा फार्म यहां से नजदीक है, कभी भी आ सकते हो। मुझे मालूम था अजीत, ऐसी कमीनी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कमीनी नहीं, काम की। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये छोटी छोटी हरकतें छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, जिंदगी बना दूंगा। अजीत, बिरजू ने शेर की जिंदगी जीना सीखा है, पालतू कुत्ते की नहीं। बिरजू, मैंने तुम्हें खास काम के लिए बुलाया है। जाल फेंक कर बुलाया नहीं जाता, फंसाया जाता है। लेकिन जिस काम के लिए लाए गए हो उसे देखोगे नहीं? इस वक्त तो मैं बाहर जाने का रास्ता देख रहा हूं। बाहर जाने के रास्ते तो बहुत है, लेकिन तुम यहां से जा नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो अपने दिमाग की शक्ति से तुम लखपति बन सकते हो। पहेलियां छोड़ो, सीधी बात करो। धर्म प्रकाश के पुरखों का एक पुराना मंदिर है, पुजारी बनने का मेरा कोई इरादा नहीं। इरादा हो जाएगा। ये मूर्ति देखो, 50 लाख रुपए की है, जिसमें से 25 लाख तुम्हारे और 25 लाख मेरे। आदमी बड़े समझदार हो तुम जानते हो कि बिरजू हमेशा बराबरी का खेल खेलता है। अगर कोई कमरे में कदम भी रखे तो साइरन बजना शुरू हो जाता है, वहां के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, आदमी जेल की तरह कैद हो जाता है। मैं इसे हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुश्किल तो यह है
कि इसके पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता बिरजू निकालेगा। और कुछ? और तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा, धर्म प्रकाश की बहन। संभल के। आपने कहा था जब भी इंसान बनना चाहो फार्म पे आ जाना। मैं आपके फार्म पे आ गया, क्या आप मुझे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं? मैं कौन होता हूं बनाने वाला? गुरुजी की कृपा से इस धरती में ही कुछ ऐसा असर है, ना जाने किन किन ऋषि महात्माओं का पसीना इस मट्टी में मिला है कि जो भी यहां आता है उस आदमी के कर्म और विचार नेक हो जाते हैं। तुम अपने आप ही को देख लो, आज यहां पहुंचते ही तुमने कितना अच्छा काम कर दिया, मेरी बहन की जान बचा ली। चलो तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए जगह बता दूं। चलो आओ बिरजू, जूते उतार दो। ओ जी। ये मेरे लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, यहां मेरे गुरुजी रहा करते थे, उनके बाद आज तुम पहले आदमी हो जिसे मैं यहां रहने के लिए लाया हूं। जी मैं यहां रहूंगा। क्यों, तुम्हें यह जगह पसंद नहीं? जी नहीं, तो जगह तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और हां, मेरी मंजिल तो मेरे सामने है। इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं, चारों तरफ तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, और मुझे विश्वास है कि जिन नेक इरादों के साथ तुम यहां आए हो गुरुजी उन्हें जरूर पूरा करेंगे। बाकी रहा तुम्हारा काम, वो तुम्हें कल समझा दिया जाएगा। जी शुक्रिया। जूते उतार के मैं कमिंग सर। मैं तो अंदर ही आ गया जी। आपकी तारीफ? जी जी, मैं ड्राइवर हूं बड़े भैया का, लाइसेंस नंबर 379, ड्यूटी 8 घंटे की, सैलरी 250,
एक्स्ट्रा ड्यूटी में आपके लिए खाना लाया हूँ। खाना में भिंडी की भाजी है, मसूर की दाल है, पकौड़ियों का रहता है, 6 रोटी, रोटी बाजी की तो मैं खा लूंगा जी। लेकिन ये सब तो मैंने आपसे पूछा नहीं जी, मेरा फर्ज है, माई मॉरल ड्यूटी। खाना लगाऊ। कहाँ मिलती है? क्या यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती जी, कहीं भी नहीं मिलती। फिर मेरे पास है। कहाँ? पीछे निकालो, फुल बॉटल है जी, फुल बॉटल, फुल। अरे गुरु जी क्या करे, पाप लगेगा, पाप लगेगा, ये सब भगवान देख रहे, नाराज हो जाएंगे। प्लीज प्लीज, नाराज भगवान नाराज। भगवान नाराज हो जाएंगे, सब देख रहे, बहुत पाप लगेगा जी। भगवान आप लोग देख रहे हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, इसने मुझे पिलाई है, इसने मेरा मॉरल डाउन किया है। ये फिर पिला रहा मुझे, शाबाश। थैंक यू भगवान, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा, इसने मेरा मॉरल डाउन किया है, ये मुझे फिर पिलाएगा भगवान। ये अरे अरे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, भगवान नाराज नहीं हुए, ये भगवान तो खुश है। अरे वाह भगवान, तुम्हारी लिली। लिली क्या बोल गया मैं? लिली ली ली, भगवान की लीला, वाह खुश है भगवान। अरे वाह रे भगवान, तेरी लीला रे, मैं गया रे। बड़े भैया का ड्राइवर काफी समझदार है। दारू छुपाने की जगह भी चुन चुन के रखता है। यार ये क्या कर रहे हैं साहब? असलम तुम जरा नीचे देखो, एक तो ये पी के लुढ़क गया है, लो तुम भी पियो। जी मेरे लिए ये हराम है, और आपसे मेरी गुजारिश यही होगी कि इस मुकद्दस जगह को आप इस गंदी शय के इस्तेमाल से नापाक न बनाएं। बड़े मजहबी हो यार, लेकिन ये सारे भगवान तो हिंदुओं के हैं। हिंदू और मुसलमान में फर्क हो सकता है साहब, मगर भगवान और खुदा में कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारे लिए भी पाक और नापाक जगह में कोई फर्क नहीं। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। खुदा आपको सही रास्ता दिखाए। सही रास्ता तो मेरे सामने है। इस मूर्ति को हासिल करने के लिए अगर कोई कमरे में कदम भी रखे तो साइरन बजना शुरू हो। कबूतर ये इश्क कर रहा है या फ्रूट सलाद बेच रहा है? ए मेरी कली, ये सड़ा हुआ पपीता कहां से आन टपका है? तेरी तो अपने जलवों से फौर। दूसरी तरफ बिरजू, we
बार ये चाकू एक फरिश्ते पर उठा था जिसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूं, मगर आज इन हाथों से अगर तुम जैसे शैतान का खून भी हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मूर्ति वापस रख दो। इस मूर्ति के लिए क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? जिस मूर्ति से ना तेरा कोई वास्ता है ना तेरे धर्म का। बात धर्म की नहीं, बात ईमान की है। मूर्ति यहां से नहीं जाएगी। चिकने तू? चिकना नहीं, शीतल। हाँ शीतल, चिकना तुम्हारे लिए बनी थी, प्यार करने लगी थी तुमसे, लेकिन आज पता चला कि तुम यहां इस मूर्ति के लिए आए हो। मुझे घोड़े से बचाना एक चाल थी तुम्हारी, अपने आप को शरीफ जताना बड़े भैया के साथ एक धोखा था, एक फरेब था। बिरजू मैं तुम्हें क्या समझी थी, और तुम क्या निकले बिरजू? तुमने ऐसा क्यों किया बिरजू, ऐसा क्यों किया? क्या हुआ शीतल? इसने मूर्ति चुराई है भैया, पकड़ लो इसे, पुलिस के हवाले कर दो। राम कौर आस्तीन के साफ चोरी करता हूं, ले जाओ इस नमक हराम को भाई, जहां से इसने मूर्ति चुराई है मैं इस हराम जादे को वहीं खत्म करूंगा। अल्लाह का बड़े भैया की कोशिशों के बावजूद भी जो आदमी अच्छा इंसान ना बन सका उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। फिर देर किस बात की है हरी बाबू, लीजिए बंदूक और दबा दीजिए घोड़ा। क्या पागलपन है बड़े भैया, यह मूर्ति चुरा कर ले जा रहा था, इसको सजा मिली चाहिए बड़े भैया, यह चोर है। यह चोर नहीं है, यह मूर्ति खुद मैंने हाथों से इसे दी थी। आपने? हाँ, कल सुबह जन्माष्टमी है, मैंने इससे कहा था कि रातों रात यह मूर्ति ले जाकर चौहरे के हाथ से पॉलिश करवा लाओ। उठो बिरजू, उठो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं इन सब की तरफ से तुमसे क्षमा मांगता हूं, इन्हें माफ कर दो, देर बहुत हो गई है, छोटे की जीप ले जाओ, लो संभाल कर ले जाना। मुझे यकीन था कि मेरा शेर शिकार लेकर जरूर आएगा। एक छोटी सी मूर्ति के लिए इतनी सारी फौज की क्या जरूरत थी? हम तो तुम्हारा स्वागत करने आए थे बिरजू। लाओ मूर्ति दे दो, इससे पहले कि हमारे कृष्ण कन्हैया विदेश चले जाए, जी भरकर इनके दर्शन तो कर लूं।
भगवान के दर्शन करने के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। कैसा चढ़ावा? ये मूर्ति आधी तेरी है और आधी मेरी। 25 लाख लायो मेरे हिस्से का। बिरजू, जिस दिन अजीत ने किसी का हिस्सा दे दिया, समझो अजीत खत्म हो गया। जिस दिन बिरजू ने अपना हिस्सा ना लिया, समझ लो उस दिन बिरजू भी खत्म हो गया। मर जाते तो मुझे खुशी होती। एक मामूली सा बिरजू तुम्हारी गाड़ियां तोड़ ताड़ कर और मूर्ति लेकर भाग गया, और तुम लोग गेट आउट यू डन। जलील कमीनो, तुम लोग अगर इस गाड़ी में मर जाते तो मुझे खुशी होती। एक मामूली सा बिरजू तुम्हारी गाड़ियां तोड़ ताड़ कर और मूर्ति लेकर भाग गया, और तुम लोग गेट आउट यू डर्टी डॉग्स। माँ, माँ कहती थी तू सबकी रक्षा करता है, कैसा भगवान है तू। एक मेरी माँ को नहीं बचा सका, तेरे सहारे छोड़ गया था। आपकी वजह से जाग रही है, ये सोने के लिए गोली ले लीजिए, नींद आ जाएगी। बड़े भैया, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं, मूर्ति को पॉलिश करवाने में वक्त तो लगेगा ही, और जब मूर्ति इतनी कीमती हो तो ना जाने कितना टाइम लगेगा। बहू,
छोटे जी, जाओ तुम दोनों जाकर सो जाओ। घर से इतनी कीमती चीज चली गई है भैया, नींद कैसे आएगी? गोली खा लो, नींद आ जाएगी। लेकिन बड़े छोटे, कहाँ ना जाकर सो जाओ। जाओ शीतल, जाओ तुम भी जाकर आराम करो। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारक मंदनान्मुत्युर्मोक्षे मामृताथम। आपने मेरी जान बचाई। तुम बेहोश हो गए थे बेटे। साधु जी, वो जब जीभ उल्टी थी उस वक्त मेरे हाथ में एक मूर्ति थी, वो कहाँ है? बड़े श्रद्धालु हो, आग खुलते ही भगवान के दर्शनों के लिए चिंतित हो गए। ये लो, कितनी सुंदर मूर्ति है। जी हाँ, और कीमती भी है। भक्त के लिए मूर्ति कीमती नहीं होती। भगवान में श्रद्धा और भगवान में विश्वास, वो कीमती होता है। पंडित जी, आरती का समय हो गया, मंदिर का द्वार खुलवाइए। जब तक हम दर्शन नहीं कर लेंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बड़े भैया अजी, मैं तो थक गया हूँ लोगों को जवाब देते देते। सारा गांव जमा हो गया दर्शन के लिए। अब आप ही बताइए, मूर्ति के बिना किवाड़ कैसे खोल दिए जाएं? गुप्ता जी, मंदिर के किवाड़ खुलवा दीजिए। जी, सुना नहीं आपने? मंदिर के किवाड़ खुलवा दीजिए। बात नहीं करोगे अपने चिकने से? हाँ शीतल जी, उसे भूल जाइए, एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। जिस तरह दुख के बाद सुख आता है, अंधेरे के बाद उजाला, उसी तरह इंसान भी बुरे से अच्छा बनता है। यही तो जिंदगी है बिरजू। मेरी जिंदगी में सिर्फ बुराई है, अच्छा ही नहीं।
मेरी जिंदगी उस बंजर वीरान जमीन की तरह है जिसे पानी से सींचते रहो लेकिन उसमें कभी हरियाली नहीं आएगी। और शीतल का एक मामूली चोर बदमाश आज मंदिर का पुजारी बन बैठेगा। You hell with your पुजारी, तुमने मुझे मूर्ति का प्रॉमिस किया, मुझे मूर्ति चाहिए। ऑल राइट मैं जानता हूं कि जब तक ये बिरजू जिंदा है हम मूर्ति कभी हासिल नहीं कर सकते। दर्शन, मुझे बिरजू की जान चाहिए। बिरजू आ रहा है, तुम लोग तैयार हो? यस सर। आज बिरजू बच के नहीं जाना चाहिए। ओके सर। बाज बिरजू की मौत की खुशी में चीयर्स बने। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। जय हिंद। अब बिरजू के जिंदा होने की खुशी में एक एक जाम और हो जाए। क्यों नहीं? बिरजू को मारना इतना आसान नहीं है अजीत। लेकिन बिरजू, तुमने यहां आकर अपनी मौत को बिल्कुल आसान बना दिया है। आरामजादे, कान खोलकर सुन ले। अब उस मूर्ति का रखवाला बिरजू है। अगर तुम्हारे किसी भी आदमी ने उस मूर्ति की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। आज हमें एक जान का दुश्मन जान से प्यारा लगता है। आज हमें एक जान का दुश्मन जान से प्यारा लगता है। जान तो क्या है ये काफिर ईमान से प्यारा लगता है। आज हमें एक जान का दुश्मन जान से प्यारा लगता है। जान तो क्या है ये काफिर ईमान से प्यारा लगता है। आज हमें एक जान का दुश्मन।
पत्थर के धोखे में रहे हीरे को ना पहचाना, ये तो दिल का दिल के हर अरमान से, ये तो दिल को दिल के हर अरमान से प्यारा लगता है, जान तो क्या है ये काफी ईमान से प्यारा लगता है, आज हमें एक जान का दुश्मन जान से प्यारा लगता है। आंधी में विश्वास का दीपक हमने जलते देख लिया, आंधी में विश्वास का दीपक हमने जलते देख लिया, प्यार की शबनम से हमने पत्थर को पिघलते देख लिया, हमें ये काला आदमी हो, हमें ये काला आदमी इंसान से प्यारा लगता है, ईमान से प्यारा लगता है, आज हमें एक जान का दुश्मन जान से प्यारा लगता है, जान तो क्या है ये काफिर ईमान से प्यारा लगता है। तक हमको खबर नहीं थी क्या है धर्म और क्या ईमान, कल तक मेरे मन के अंदर जाग रहा था एक शैतान, आज कोई ये हमसे पूछे ईश्वर की है क्या पहचान, लेके तेरा नाम कहे हम शायद ऐसा हो भगवान, कभी कभी इंसान तो खुद भगवान से प्यारा लगता है, जान तो क्या है ये काफिर ईमान से प्यारा लगता है, आज हमें एक जान का दुश्मन जान से प्यारा लगता है, जान तो क्या है ये काफिर ईमान से प्यारा लगता है। अच्छा भी राम प्यारे तू आ, अंगूठा लगाया, ये ले 200 गिल्ले। अच्छा भी हरि प्रसाद तू आजा आजा, हाँ अंगूठा लगा इधर, हाँ इधर, हाँ बस ये ले 200 गिल्ले भाई गिल्ले। अरे गिनना क्या है गुप्ता जी, आप थोड़े कम देंगे? नहीं भाई भरोसा नहीं करना इस महंगाई के जमाने में, गिल्ले ना अच्छा है। 200 रुपए हरि प्रसाद को दिए। तू यहाँ? गुप्ता इन गरीबों को 200 रुपए देते हो और खाते में 400 लिखते हो? बिजू कमीने बदमाश, कमीने, गरीबों की मेहनत की रोटी छीनता है, बड़े भैया को धोखा दे रहा है। इस हरामजादे की मौत मेरे हाथ लिखी है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिरजू क्या कर रहे हो? बड़े भैया ये कमीना है, गरीबों का खून चूसता है, आपको धोखा देता है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए हो क्या? अपने हाथ खून से रंगना चाहते हो? बड़े भैया
आज तक ये हाथ हमेशा अपने स्वार्थ के लिए उठता रहा, लेकिन आज पहली बार दूसरों के हक के लिए उठ रहा है। और इस आदमी का खून करके अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं बिरजू, उससे मैं फिर भूल गए कि जान लेने का काम यमराज का है। बड़ भैया, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, फिर भूल हो गई। गुप्ता जी, जब खेती ही अनाज खाना शुरू कर दे तो उसे सींचना बेवकूफी है। बड़े भैया, आप आज ही ये फार्म छोड़कर चले जाइए, अभी इसी वक्त। बड़े भैया, मुझे एक मौका और दीजिए भगवान के लिए। गुप्ता जी, मैं मौका देता हूँ एक बुरे आदमी को अच्छा इंसान बनने का। मेरा असूल है जुर्म को खत्म करना, उसे जन्म देना नहीं। मैं तुम जैसे गुनाहगार को कभी मौका नहीं दे सकता। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़े भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे गुप्ता जी, आपके इस जुर्म में आपकी बीवी और बच्चे शामिल नहीं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है, वो यहीं रहेंगे। ठीक है बड़े भैया, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ जाएंगे। आप उन्हीं से पूछ कर देख लीजिए, क्या वो आपके साथ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, समझ लो कि हम लोग तुम्हारे लिए मर गए। पार्वती, ये तो क्या कर रही है? मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया, तेरे बच्चों के लिए। खबरदार, जो उस पाप में हमारा नाम भी लिया तो। बड़े भैया जैसे महान आदमी से धोखा करते वक्त तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुमने हमारे मुंह पर काले बोल दिए। तू नहीं आना चाहती, मत आप भाड़ में जा, लेकिन मेरे बच्चे मुझे। मतलब बच्चों का नाम, मतलब बच्चों का, मैं तुम्हारा साया भी उन पर नहीं पड़ने देना चाहती। चले जाओ यहाँ से। पार्वती, सुन तो सही, पार्वती मेरी बात सुन। धर्म प्रकाश, तूने मेरा घर तबाह किया है। अगर मैंने तेरे खानदान को मिट्टी में न मिला दिया तो परमात्मा कसम, मेरा नाम गुप्ता नहीं। गुप्ता जी, आपके हाल पर बड़ा तरस आता है मुझे। धर्म प्रकाश की सारी जिंदगी खिदमत करने का यही नाम मिला है आपको? जीत बाबू, हर कुत्ते के दिन आते हैं। क्या बात, सारे खानदान को दर दर का भिखारी बना के छोड़ूंगा। छोड़िए गुप्ता जी, आपका ये काम तो मैं कर दूंगा, आप मेरे काम की बात कीजिए। सोचिए कोई रास्ता निकालिए। रास्ता तो सामने है अजीत बाबू, वो देखिए, वो रहे हमारे हरि बाबू। क्या सोच रहे हैं हरि बाबू, दबा के चाल चलिए। लक्ष्मी आप पे प्रसन्न है, हमारे हरि बाबू। क्या सोच रहे हैं हरि बाबू, दबा के चाल चलिए। लक्ष्मी आप पे प्रसन्न है। 2 लाख की चाल, 1 लाख कम। चार लाख की चाल। गुप्ता जी, उधार में मजा नहीं आता, पैसा कैश नहीं। सरकारी मोहर बड़े भैया। हाँ, मैं शीतल और छोटी बहू के साथ शहर जा रहा हूँ, वहीं गवर्नमेंट को अप्लाई करके अपने इस फार्म को मैं कोऑपरेटिव फार्म बना देना चाहता हूँ, ताकि अपनी फसल हमेशा इसी तरह लहराती रहे और इसमें मेहनत करने वाले हर इंसान को अपनी मेहनत का हिस्सा बराबर से मिलता रहे। क्यों छोटे? जी जी बड़े भैया, जैसे आपकी मर्जी। देखना, हेलो हरि बाबू, मैं अजीत बोल रहा हूँ। अरे भैया, दरअसल बात यह है कि अचानक रुपयों की जरूरत आ पड़ी है, तो तुम मेरे रुपए लेके जल्दी आ जाओ। आपने तो कहा था कि जल्दी नहीं है। हाँ, वो कहा तो था, मगर अब जरूरत है। देखिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कहा आपने? मेरे पास और कुछ नहीं है, और मेरे गोदाम में और कुछ माल नहीं है। बड़े भैया का साथ तो ये आखिरी बात और सुन लो, ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरन कागजात लेकर बड़े भैया के पास आना पड़े। बड़े भैया? कौन है छोटे? बड़े भैया एक व्यापारी है जिसे कुछ चावल चाहिए, और वो भी बहुत जल्दी। जी नहीं, बड़े भैया शहर जा रहे हैं। जी हाँ, नहीं देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, गोडाउन में जितना माल होता है उसका सारा हिसाब मेरे पास रहता है, और आपको इतना जरूरी है तो मैं आपको खुद आके मिलता हूँ। आना ही पड़ेगा मेरे लाल।
नहीं अरे बाबू, इससे परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। करो, आपकी मुश्किल में काम आना ही तो मेरा काम है। मुझे बताइए, मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी? तुम, सारी मुश्किलें तो तुम्हारी पैदा की हुई है। तुम मेरी सारी मुसीबतों की जड़ हो, जब से फार्म पर आए हो। आउट, आई से गेट आउट। हरी बाबू, बात दिन में मत रखिए, मैं आपसे यही पूछने आया हूं, आपको तकलीफ मेरे फार्म में आने से हुई है या उस टेलीफोन से? तुम कौन होते मुझसे यह पूछने वाले? आप उस नेक इंसान के भाई हैं जो मेरी नजरों में फरिश्ता है, क्या यह रिश्ता कम है? हमसे रिश्ता जोड़ते हो, बदतमीज बदमाश। हरे बाबू, काश तुम उस फरिश्ते के भाई ना होते और ये बिरजू आज का बिरजू ना होता, तो बिरजू पर उठा हुआ ये हाथ कब का कट गया होता। अगर आप चाहें तो आपके भगवान आपके सारे दुख दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कैसे? अगर आप अपने भगवान की मुझे पूजा करने का मौका दें तो आपके सारे कर्ज उतर सकते हैं। अजीत बाबू, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है हरी बाबू, आपके मंदिर की मूर्ति पर मेरी बड़ी श्रद्धा है, अगर वो मूर्ति आप मुझे ला दें तो मैं आपके जेवर और जमीन सब छोड़ा दूंगा और ऊपर से 5,00,000 रुपया नकद भी दूंगा। वाह 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 वाह, लोग कहे हैं कि कलयुग है। काय का कलयुग है हरी बाबू? अजीत बाबू जैसा धर्मात्मा मिलेगा आज इस महंगाई के जमाने में? अरे गुप्ता जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हरी बाबू, आप क्या सोच रहे हैं? अरे सोचना है क्या है, आज रात मूर्ति आपके हाथ में। हाथ में मूर्ति आएगी कैसे? गुप्ता जी, आप तो जानते हैं अलार्म कंट्रोल सिस्टम बड़े भैया के कमरे में है और बड़े भैया कमरा बंद करके शहर गए हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ, बड़े भैया का कमरा बंद है तो गुरुजी का कमरा तो खुला है, वहां से स्विच ऑफ कर देंगे। नहीं गुप्ता जी, मुझे मालूम नहीं स्विच कहाँ है। और फिर गुरुजी के कमरे में जाना सांप के मुंह में उंगली डालना है। आप तो जानते हैं बिरजू वहां सांप की तरह कुंडली जमा के बैठा है। अरे बाबू, उस सांप की बीन तो मैं बजवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बैठिए गाड़ी में। हाँ चलिए। अरे बैठे बैठे शक्ल क्या देख रहे हैं, छोड़िए, बैठिए, स्टीयरिंग संभालिए, बैठिए। अरे भाई, ये बछड़ा कहां से अंदर आ गया? मगर ये भौंपू कब तक बोलता रहेगा, बड़े भैया तो यहाँ है नहीं। लो बिरजू आ गया। शीतल, ये सब क्या है बड़े भैया? ये कुछ नहीं, ऐसे ही है। मुरलीधर दीजिए, बहू को जेवरात दिखा दीजिए, भाई यही पसंद करेंगे, हमें तो कुछ समझ समझ है। आइए। बताइए ना बड़े भैया, ये सब क्या है? बैठ जा, आराम से बताता हूँ। देख शीतल, तू मेरी छोटी बहन ही नहीं, बेटी भी है। जब तू छोटी थी तो अपनी पसंद की चीज जबरदस्ती मुझसे मांग लिया करती थी, अब सियानी हो गई है, अपनी पसंद छुपाने लग गई। फिर जो मुझे भी उतना ही पसंद है जितना तुम्हें। बाबू जल्दी कीजिए, भैया
उसको डाल दो अंदर, फेंक दो इसे। चुप रहिए सिंह बाबू, मैं धर्म प्रकाश के सारे खानदान का प्रकाश बुझा के रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, भून के रख दूंगा। अजीत, इस महंगाई के जमाने में इतना महंगा खिलौना तुमने किसके हाथ में दे दिया, और फिर इस भजन मंडली की जान लेने से क्या फायदा, इनके पास मूर्ति कहां से आएगी, ये तो भगवान को अपने दिल में रखते हैं, असली मूर्ति मेरे पास है। तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, कहां से आई तुम्हारे पास? जो मूर्ति चुरा सकता है वो मूर्ति बदल भी सकता है। मुझे पहले से ही शक था, तुम्हारी नजरें पहले से ही मूर्ति पर थी और तुम फार्म पर आए ही थे, इसीलिए चोर धोखेबाज बेईमान। हमारा ईमान लूटकर हमें बेईमान कहती हो? बिरजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद दिलाकर उम्मीद तोड़ना एक ऐसा खेल है धर्म प्रकाश, जो सिर्फ बिरजू खेलता है। बड़ा नाज था तुम्हें अपने उसूलों पर, बड़ा फख्र करते थे अपनी नेकियों पर और अपनी अच्छाइयों पर। तुमने समझा तुम्हारे लंबे लंबे उपदेश दूसरों की तरह मुझे भी बदल देंगे? नहीं धर्म प्रकाश, अच्छाई और बुराई की इस जंग में जीत तुम्हारी नहीं, इस काले आदमी की हुई है। तुम तो अहिंसा के पुजारी हो, ये छड़ी तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती। बिरजू, मूर्ति कहाँ है? तुम तो जानते हो अजीत, मूर्ति ऐसे नहीं मिलेगी। तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मार डालो, लेकिन सोच लो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें मूर्ति नहीं मिल सकती। तो तुम चाहते क्या हो? अपना हिस्सा 50-50। मुझे मंजूर है। यही तो खास जगह है, लेकिन पहले इन मेहमानों का बंदोबस्त कर ले। ए, बांधो इन सबको। सबको उधर बांधो, सबको सीधा खड़ा रहे। है बिरजू, मूर्ति कहाँ है? मूर्ति ये रिवॉल्वर दिखाकर नहीं मिलती, माल दिखाकर मिलती है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन सा भगवान बचाने आता है इस महंगाई के जमाने में। धर्म प्रकाश, तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, मैं तुम्हारे सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। बिरजू भाई, हमने तो दिखा दिया अपना चमत्कार, अब तुम भी दिखा दो अपना कमाल, जल्दी से बता दो कहाँ है कन्हैया लाल। वो देखो, अब क्या हो गया? पहले माल परखा जाएगा, उसके बाद मूर्ति परखने की इजाजत दी जाएगी। ये लो, कुत्ता खोलो इसे, देख लो माल। हम माल देखते हैं, तू जाके कन्हैयालाल को देख। जाओ। अजीत बाबू, ये किशन कन्हैया बिल्कुल असली है। बिरजू, मैंने भी कहा था कि अगर अजीत ने अपना हिस्सा दे दिया तो अजीत जिंदा नहीं रहेगा। आज माल भी हमारा और कन्हैया लाल भी हमारा। ले जाओ इसको भी, वहां बांध दो। उल्लू के
क्यों? मूर्ति गायब हो गई। रुक जाओ गुप्ता, मैं कहता हूं रुक जाओ। कृष्ण कन्हैया, आखिर मरवाई दिया ना इस महकाई के जमाने। धर्म प्रकाश, यूं तो मेरे पास इतनी गोलियां हैं कि तुमको और तुम्हारे खानदान को भून सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों के मरने के बाद तुम्हारी चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए ये शुभ काम भी मैंने अपने हाथ में ले रखा है। मेरी बात तो सुन। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रुक जाओ छोटे। बिरजू, तुम्हें मूर्ति चाहिए, ले जाओ, मत रोको इसे छोटे। मैंने सोचा था बुरे से बुरे आदमी के दिल में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई जरूर होती है, लेकिन तुम बिरजू काले आदमी थे, काले आदमी हो और काले आदमी रहोगे। वही धर्म प्रकाश। गुरुजी, आप? कोई आत्मा ऐसी नहीं धर्म प्रकाश जिसमें सात्विकता के गुण न हो। सारा ब्रह्मांड सात्विकता और क्षय की नींव पर ही खड़ा है। तुम्हें याद है जब मैंने इस मूर्ति की स्थापना की थी, उस दिन भी कुछ लोगों की बुरी नजरें इस मूर्ति पर थी। ये मूर्ति मैंने इसलिए तुम्हारे घर में रखी थी कि वहां ये सुरक्षित रहेगी, और इसी मूर्ति का एक प्रतिरूप मैंने अपनी आराधना के लिए इस मंदिर में रख लिया था। उस रात को जब मैं मंदिर से मूर्ति लेकर निकला तो भगवान ने मुझे गुरुजी के चरणों में पहुंचा दिया। मुझे विदा करते समय जो मूर्ति गुरुजी ने मुझे दी थी वो नकली थी, इसका मुझे बाद में पता चला। मुझे ज्ञान हो गया था कि इस मूर्ति का वहां रहना ठीक नहीं है, और जब बिरजू को मालूम हुआ कि तुम लोग इन दुष्टों के जाल में फंस गए हो तो ये मेरे पास आया। चले बेटे, असली मूर्ति उसे दे देना और उसकी जान बचा लेना। नहीं साधु जी, नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानने आया था कि असली मूर्ति आपके पास है या नहीं। अब ये मूर्ति यहां से नहीं जाएगी, बल्कि वो लालची कुत्ते यहां आएंगे और उनका आखिरी खेल आपके चरणों में खेला जाएगा। ओ भगवान, तो मैं बिरजू को गलत समझा। ये लीजिए आपकी अमानत। जान का दुश्मन जान से